हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सी एस सी आल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आपकी वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जल संपदा विभाग भर्ती आपकी निकाली गई है। तो आपको बताने वाला हूँ एग्जाम सिलेबस 2023 पोस्ट कितनी निकाली गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बना रहना है। इस वीडियो पे आपको बताया जाएगा कैसे आप इसमें, कब से आपको फॉर्म फिल करना है, फुल डिटेल मतलब देने वाला हूँ इस वीडियो में, इसके वीडियो के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जल संपदा विभाग में भर्ती निकाली गई है महाराष्ट्र में, आपकी महाराष्ट्र शासन विभाग विभाग में। तो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करने। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट दिखाइए। चलते हैं फिर, आपको बताते हैं जल संपदा विभाग भर्ती 2023 के प्रोसेस के बारे में। तो इसका नोटिफिकेशन है महाराष्ट्र शासन जल संपदा विभाग संचालनालय समिति। तो देख सकते हैं ये आपकी वैकेंसी है। अभी यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी भी दे देते हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ये अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है, देख सकते हैं आप। तो थोड़ा और जान लेते हैं, मैं इसे दिखा देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। तो ये महाराष्ट्रीय भाषा है, महाराष्ट्रीय भाषा है ये। दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी जो ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, ये काफी 58 पेज में इसका नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे फीस देख सकते हैं आप कितनी रखी गई है आपकी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप फीस देख सकते हैं कितनी कौन सी रखी गई है, कितनी उसमें। अभी थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। तो काफी लंबा चौड़ा ये जो है इसका नोटिफिकेशन दे रखा है, सारा बताऊंगा आपको, बने रहे बस। कब से फॉर्म स्टार्ट होएगा वो भी आपको देखते हैं, नीचे जा रहे हैं थोड़ा। दोस्तों, ये सारे पद के नाम दे रखे हैं, किस पद में कितनी पोस्ट निकाली गई है, सारे पद के नाम है, विकलांग वगैरह की सारी पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, हम 31वें पेज पे आ चुके हैं। तो ये सारा पोस्ट आपका निकाला गया है, आप देख लेना। मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे डिस्कशन में, वहां से आप डाउनलोड करिए और इसे चेक करिए नोटिफिकेशन को। देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है सब डिपार्टमेंट में, जल संपदा में। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कुछ यहाँ पे दे रखा है। ये जो फॉर्म स्टार्ट होएगा आपके, 4497 पोस्ट आपकी निकाली गई है टोटल आपकी इसमें। चौवालीस सौ सत्तानवे पोस्ट आपकी निकाली गई है टोटल। ठीक है दोस्तों, ये सकते हैं 2447 पोस्ट आपकी निकाली गई है, ये रही आपकी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थोड़ी लैंग्वेज अलग है, महाराष्ट्र की भाषा है ये थोड़ी। आपको थोड़ा जो है महाराष्ट्र वाले जो भी है वो अच्छे से जो है चेक इसे पढ़ भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बाकी दोस्तों, जब इसका फॉर्म स्टार्ट होएगा मैं अलग से एक वीडियो और लाऊंगा आपके लिए बना के। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं थोड़ा।
इस तरह से कुछ यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है अलग अलग। तो दोस्तों देख सकते हैं महाराष्ट्र जल प्रदा में 4497 वैकेंसी आपके विभाग में। अब ये जो फॉर्म आपके स्टार्ट होएंगे वो दोस्तों होएंगे आपके 3 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक आपके जो है फॉर्म चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 3 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका पहला एग्जाम होएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन आपका 1 नवंबर में जो है जारी कर दिया गया था। 3 नवंबर से जो है आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 24 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है। 24 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वैकेंसी आप दे सकते हैं किस तरह से दे रखे हैं, 4 इसमें 19, 14, 5, 25, 60, 1528 इसमें है सबसे ज़्यादा, 35, 284 और 284 तो 430, 758, 1189, 138, 8, 4497 टोटल वैकेंसी है आपकी। ठीक है दोस्तों, फीस की बात करें जनरल वालों की 1000 रुपये फीस है। अगर आप बैकग्राउंड क्लास से आते हैं तो 900 रुपये है। अगर आप एक्स सर्विस मैन डिसेबलिटी मतलब विकलांग है तो आपको कोई फीस नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर्म। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एजुकेशन देख सकते हैं आप, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होएगा फिर आपका। सैलरी की बात करें सैलरी भी आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे सैलरी आपको रखी गई है, इसमें इतनी सैलरी है, इसमें इतनी है, इसमें इतनी है, आपकी अलग अलग सैलरी यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही था आज का वीडियो के मैं आपको बता पाऊँ सैलरी वगैरह के बारे में। देख सकते हैं सारा मैंने बता दिया है, बाकी कुछ रह गया हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी मैंने ज़्यादातर तो सभी कुछ बता दिया है। ठीक है, जो जो इसमें दे रखा है आपका, बाकी जैसे इसका फॉर्म स्टार्ट होएगा कल से मैं आपको अलग से वीडियो बना के ले आऊँगा। तो दोस्तों आशा करता है वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, और चैनल पहली बार आए चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।